नहीं तन है तो धन है। Whatever. Babies, welcome back to my channel. को नमस्कार सवाल कसकाय केमुन आचो केमचो हेलो हेलो वो सलमान खान बिग बॉस की बन रही है। इसमें क्या है, बिग बॉस चल रहा है, सब बिग बॉस देख रहे हैं, तो थोड़ा बहुत बिग बॉस फीवर चल रहा है। आई लव बिग बॉस, मुझे बिग बॉस बहुत पसंद है। प्लीज एक मोमेंट लेके मेरे चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज होगी। सबको बताओ प्लीज सब्सक्राइब करो। गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल बिग बॉस। जैसे मैंने कहा ये बहुत मेकअप वीडियो नहीं है, मैं प्रोडक्ट्स के बारे में बात नहीं करने वाली, जस्ट एक फन मेकअप करने वाली हूँ अपनी मॉम के लिए। और पुणे से गुजरात आते वक्त मैंने आप लोगों को इंस्टाग्राम पे पूछा था अगर आपके पास कोई सवाल है मेरे लिए या मेरी मॉम के लिए, तो आप लोगों ने मुझे बहुत सारे सवाल पूछे, तो मैं वो सारे सवालों का जवाब देने वाली हूँ। मेरी मॉम सवालों का जवाब देने वाली है और उस दौरान हम मेकअप भी करने वाले हैं, जहाँ पे मैं मॉम को थोड़ा सा हाई डेफिनेशन मेकअप करने वाली हूँ। मेरी मॉम के पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है गाइस, वो हुडा हुडा यूज करती है पर बहुत बेसिक चीजें यूज करती है। मुझे लाइट पसंद है, लाइट मेकअप। ओके तो मैं उनको थोड़ा HD, थोड़ा कलर करेक्शन, थोड़ा कॉन्टोरिंग, थोड़ा हाईलाइटर लगा के देने वाली हूँ, इसलिए बेचारी चमक देने वाली हूँ। एग्जैक्टली इसलिए बेचारी बिना मेकअप के बैठी हुई है मेरे बाजू में, पर यही लुक क्रिएट करके देने वाली हूँ जो मैंने किया हुआ है, जो बहुत ही बेसिक सिंपल है, थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग लाइनर है, थोड़ा सा कॉन्टोरिंग और हाईलाइट है। सो Let's head into the video. सबसे पहले हम हाइड्रेशन क्रीम लगाएंगे, ये आप खुद लगा लो आपके मुंह पे। तो किसी ने पूछा है, हेलो आंटी हाउ आर यू, व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन प्रिया टोल्ड यू दैट शी वाज डूइंग स्प्लिट्स विला? नहीं मैं तो नहीं चौंक गई थी, क्योंकि मैं तो रियलिटी शोज देखती हूँ और उसमें इतने लड़ते हैं बच्चे और यू नो, और ये कर पाएगी या नहीं, इसलिए फिर भी मैंने पूछा उसको, तुम श्योर है क्या? तो उसको बहुत सारे इंटरेस्ट दिखा रही थी, तो मैंने बोला ठीक है, गिव इट अ शॉट। गुड आंसर, गुड आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर मी, व्हाट लाइफ लेसन्स हैव यू गॉट फ्रॉम हर, फ्रॉम माय मदर? लाइफ लेसन्स मैंने अपनी मॉम से सीखा है, हाउ टू बी ब्रेव, How to be outspoken. बहुत brave बनना है, डरपोक बन के कोई फायदा नहीं है, आपको brave बनना चाहिए, खुद के battles fight करने चाहिए। मैंने बहुत सारी सी चीजें वो भी सीखी है जो नहीं करनी चाहिए जो मेरी mom करती है। जैसे चीखा चिल्लाना। कॉलेज ज्वाइन किया तभी ये सब चिल्लाना चिल्लाना वहां से सीखे है वो, बट घर पे मैं, अगर वो घर पे होती मैं कभी अलाउ नहीं करती। मैं पहले 19 साल अपने फैमिली के साथ रहती थी, उसके बाद मुझे ऑब्वियसली आगे पढ़ाई करनी थी, तो मेरा ग्रेजुएशन, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद मैंने काफी सारी जॉब्स की हैं, तो वो सब मैंने पूना में किया था। मेरे मॉम डैड ने मेरे लिए पूना चूज किया था, मैं तो दिल्ली, बैंगलोर, कैलकटा, मुंबई ऐसी जगहों पर जाना चाहती थी जहाँ मेरे दोस्त थे, पर इन्होंने बहुत शान पट्टी करके मुझे पुणे में भेज दिया जहाँ पे मेरा कोई नहीं था, पर वहां पर मुझे मेरा पति मिल गया। The foundations are okay. So foundation ज़्यादा भी नहीं लगाना चाहिए। I think थोड़ा ज़्यादा हो गया, पर मैं correct कर दूँगी, चिंता मत करो। Foundation एकदम से हल्का सा होना चाहिए। What's your favorite pastime together? Pastime जब यहाँ रहती थी तब हम लोग बहुत सारे serials देखते थे, TV सारे serials देखते थे, हिंदी serial। अभी वो ससुराल में है तो अभी आई है, तो अभी हम लोग नेटफ्लिक्स, Amazon, हॉटस्टार, फिर दूसरे पास है मार्केटिंग, क्योंकि शॉपिंग तो हम साथ में कर नहीं सकते, ये पूरा मतलब मेरा सिर खराब कर देंगी कि ये क्यों इतना खर्चा कर रही हो, बजट में ये रहो, ये करो वो करो ये सब करती है, बट हम लोग ग्रोसरी, हाँ ग्रोसरी, घर की चीजें, वो सुपर स्टोर में जाके सब चीजें बास्केट में डालना, वो हमें बहुत, ये हम लोग का पास टाइम है, बहुत बड़े। यस आईब्रोज डन। Okay. How does your mom feel after your marriage? आपकी मॉम को कैसा लगता है आपकी शादी के बाद? नहीं वैसे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जब वो पुणे में थी तो हर 3 महीने के बाद हम लोग उसको मिलने जाते थे, 1 हफ्ते या 10 दिन तो हम रहते थे। बात करें कि मेकअप लगाए, हर 3 महीने के बाद हम लोग जाते थे उसको मिलने, तो और ये तो
कंटिन्यू रहेंगे। अभी लॉकडाउन की वजह से हम लोग अभी आठ महीने से लास्ट आप लोग ये लोग न्यू ईयर के लिए आए थे घर पे, उसके बाद मार्च में लॉकडाउन हुआ, फिर उसके बाद अभी हम बिल्कुल हैं, अभी हम लोग मिल रहे हैं, तो इसलिए वो इतनी हम लोग एक दूसरे को इतने मिस कर रहे थे कि कि मैं गुजरात चली आ गई, मतलब कितना मिस कर रही होगी समझो कि मैं पुणे से गुजरात आ गई। मुझे गुजरात में रहना इतना पसंद नहीं है क्योंकि मेरे दोस्त नहीं है अभी यहाँ पे, सिर्फ मेरे मॉम डैड के अलावा एक्चुअली मेरी कोई लाइफ नहीं है इधर, इसलिए मैं इतनी खुशी से नहीं आती हूँ। अब मैं करने वाली हूँ ब्लश, लगाने वाली हूँ, द ब्लश इज कमिंग। ब्लश भी ज्यादा नहीं हो करना प्लीज। How? तो एग्जाम में बैठी हूँ, एग्जाम। Does your daughter inspire you and what inspires you about your daughter? आपकी बेटी को देख के आप कितना इंस्पायर होते हो, या आपकी बेटी के क्या क्वालिटीज है जिससे आप इंस्पायर होते हो? एक तो बहुत इसकी उम्र की थी तो बाहर अकेले जाके रहना, एक दूसरे शहर में पढ़ाई करना, फिर जॉब करना, ये तो बस मैं मेरी बहन भी जो है वो मतलब हम लोग नहीं कर पाए, पर उसके लिए मैं सल्यूट, क्योंकि वो तो अकेली थी पुणे में, अपना कॉलेज खत्म किया, पार्टीज करती थी और बहुत पार्टियां की है मैंने। हाँ, मैं इतना पार्टी करती थी मेरी मॉम को लगता था मैं फेल होने वाला, पर फिर भी मैंने एक भी टीचर ने कभी मेरा कंप्लेन नहीं किया है। आज भी मेरे सारे टीचर्स ने कंप्लेन किया है पार्ट टाइम जॉब के लिए। हाँ, तो मैंने एक पार्ट टाइम जॉब लिया था जिसमें मैं ऑलमोस्ट 30,000 ने फोन किया कि तुम्हारी बेटी कॉलेज नहीं आ रही। मैं वो भी बताना चाहती हूँ, मैंने एक पार्ट टाइम जॉब लिया था एक कॉल सेंटर में, और वहां पे मैंने उस साल दैट वॉज इन अराउंड 2014 मैं 30,000 रुपए कमा रही थी जो कोई और नहीं कमा रहा था। तो मैंने अपने मॉम डैड को बोल दिया कि मुझे अभी पढ़ाई नहीं करनी, मुझे ड्रॉप आउट करना है। तो ये 5-6 महीने का स्पैन था, मैंने बहुत पैसे भी कमा लिए, खुद का फोन खरीद लिया, पर फिर भी दोनों ने मुझे बहुत स्ट्रिक्टली बोला था कि पढ़ाई इज इंपॉर्टेंट और पढ़ाई करना कितना इंपॉर्टेंट है। आज मैं उसको पूरी तरीके से वैल्यू करती हूँ, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और तब मैं सोच रही थी कि मैं ड्रॉप आउट कर लूंगी, मैं इतना अच्छा कमा रही हूँ तो क्या जरूरत है कुछ और करने की। तो ये एक छोटा सा डरती नहीं है कुछ कर, हाँ, तो ये थोड़ा सा एक फेज आया था, पर फिर भी आई बाउंस बैक। और तब आज ही मैं अपने सारे टीचर्स प्रिंसिपल से, ये लोग भी सारे लोग टच में हैं, दे टॉक टू ऑल माय टीचर्स ऑल माय प्रिंसिपल्स। ये बहुत चिल्ड आउट लगते हैं पर एक्चुअली ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैं। 100 पे 100 क्योंकि पार्टी भी करती थी, पढ़ाई भी हो गया। तो ये तो मैं कभी ये एज में तो मैं आई वॉज फ्रॉम 22 से नाउ 29 सब अपने आप किया है, थम्स अप टू दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, मैं एक नई माँ हूँ, आई एम अ न्यू मदर, कौन बनेगा करोड़ पत्नी? इसमें कोई कुछ करोड़ नहीं मिलने वाला। मैं एक नई माँ हूँ तो आपके क्या सलाह, एक्चुअली दिस गाइस दिस क्वेश्चंस आर इन इंग्लिश एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू ट्रांसलेट इट। तो सलाह एक नई माँ के लिए जिसने एक बेटी को पैदा किया है। वैसे देखे तो कोई किसी को कोई भी सलाह नहीं दे सकते, हर एक लड़की अलग है, और बस माँ बाप की यही ड्यूटी होते हैं कि उनको शिक्षण दो, इज्जत दो, और एक सपोर्ट सिस्टम हो उनके लिए, एक बैकबोन रीढ़ की हड्डी, बैकबोन। बस मॉम हमेशा बोलती है कि जो भी करना है उनको, जो भी करना है लड़की हो लड़का हो, जो भी करना है हम उनको एक सपोर्ट सिस्टम होनी चाहिए और उनको आजादी देनी चाहिए कि उनको चूज करें उनके करियर या जो भी, पर एट द सेम टाइम स्ट्रिक्ट भी रहो लाइक तो किसी को कोई सलाह नहीं दे सकते हम। आप और आपकी मॉम का अभी भी बैटल कौन जीता है? अगर आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है तो बैटल कौन जीता है? यही जीतती हैं क्योंकि इनके सामने मेरा है, इनके सामने मेरा कुछ नहीं चलता है, और ये हिटलरगिरी करती है। नहीं, हिटलरगिरी नहीं है, जो करना है जो सही है वो सही है। मामा इज़ ऑलवेज़ राइट, मामा हमेशा सही है, पापा से भी। मेरी मॉम बोल रही है कि तुमने मेरा सारा प्रोडक्ट यूज कर लिया है, इतना ज्यादा प्रोडक्ट मैं कभी यूज नहीं करती। इतना तो प्रोडक्ट लगता है, इतना भी मेकअप मैं नहीं लगाती। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
व्हाट इज योर टेक ऑन रिलीजन, आपका ओपिनियन क्या है रिलीजन पे? आप धर्म के बारे में पूछे तो मुझे धर्म बिल्कुल पसंद है, क्योंकि वो धर्म हमें अलग करते हैं। इंसानियत बिल्कुल चली जाती है अगर धर्म yes. है। भगवान तो है, वो तो ऊपर कहाँ पे तो बैठे हैं, देख रहे हैं हम सबको, कभी बार हमारी बातें सुन रहे हैं। तो है एक सुप्रीम पावर, मैं तो मानती हूँ एक है, बस हमें उनसे ही डर रहा है। How's it guys? Is it looking good? Oh, mascara. क्यों अभी तक वीडियो खत्म नहीं हुआ है पर मैंने अभी और है? नहीं नहीं बस हो गया। Oh yes, एक और लास्ट सवाल, prize winning question. How old is your mother? नहीं। How old are you, mama? Do you want to tell everyone? हमेशा दो या तीन कम करना चाहिए ना। मुझे तो सच बता दो। बिल्कुल भी। I'm ageless. No age. Immortal. You are immortal. मतलब जो कभी मरने नहीं वाले हैं। मरने नहीं, age नहीं, मतलब कभी age. Age नहीं होने वाले हैं। My bad, sorry. Have a, I mean, नहीं हिंदी में, हिंदी में बोलना है। बस अभी एक तंदुरुस्त body ना, शरीर और क्या? हेल्थ इज वेल्थ। हिंदी में कैसे बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ? हिंदी में हेल्थ इज वेल्थ बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ ना। वही मैं पूछ रही हूँ, इंग्लिश में हेल्थ इज वेल्थ, हिंदी में क्या है? हेल्थ जान है तो जहाँ है। हिंदी बहुत अच्छी है यार। जान जान नहीं, जान इज जान, वो जान और लवर जान। जान है तो जान। वेल्थ को क्या बोलते हैं? धन। धन तन है तो धन है। हाँ, तन तन अच्छा है, तन अच्छा है तो धन है, वही तो धन है। Whatever, whatever. So guys, I hope you enjoyed the video. I hope this makeup is looking good, and I hope all you moms are inspired out there with this makeup. And show, let me see. Okay. ठीक है. Okay guys, don't forget to subscribe to my channel. It'll mean a lot to me. Oh yes, Hindi. She's whispering Hindi. Please मेरे channel को subscribe कीजिए, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी और मैं और भी ऐसे fun videos करती रहूँगी। अगर मेरे mom के लिए और भी कुछ सवाल है तो please comment section में डाल दीजिए नीचे और हम जवाब दे देंगे उन सारे सवालों का। तब तक के लिए ta-da! चुरा!